तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि नए म्यूजिशियंस एवरीडे बेसिस पे आ रहे हैं, लेकिन एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आपको उतना काम नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल आपको ज्यादा काम और ज्यादा क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आउट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल 2020 में आपको ज्यादा क्लाइंट्स और ज्यादा काम कहां से मिल सकता है। लेकिन हमारे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मेरे ख्याल से है जो आपको ज़्यादा क्लाइंट दिला सकता है और ज़्यादा काम दिला सकता है, वो है कि एक गोल सेट करना। एक बड़ा लेकिन अचीवेबल गोल सेट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मैंने 85 प्रोजेक्ट्स किए, 86 एक्चुअली, क्योंकि एक गाना मेरा था। और इन 85 प्रोजेक्ट्स में से मैंने कहीं पे गिटार बजाया, किसी प्रोजेक्ट को मैंने बस मिक्स किया है, किन्हीं को बस मास्टर किया है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मैंने 85 प्रोजेक्ट्स पे काम किए। और इस साल के स्टार्टिंग पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिनिमम 150 प्रोजेक्ट्स करने इस 2020 में। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक टारगेट सेट करूं, जैसे इस साल का मेरा टारगेट है 150 प्रोजेक्ट, शायद नेक्स्ट ईयर मैं एक अलग टारगेट सेट करूं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक टारगेट सेट करें जिससे आप थ्रू आउट द ईयर फोकस्ड रह सके। तो दूसरा पॉइंट जो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लाइंट दिला सकता है और ज़्यादा काम दिला सकता है 2020 में, वो है कि आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहिए। वेदर आप एक पॉटर है, वेदर आप एक पेंटर है, वेदर आप कुछ भी हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो। वेदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक प्रोफाइल हो जहाँ पे आप एक्टिव हो। और नेटवर्किंग के अलावा ऑनलाइन प्रेजेंस का ये भी फायदा है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो आप शायद थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी अर्न कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो तीसरा और आखिरी पॉइंट है नए लोगों से जाके मिलना। वेदर गिग्स हो, कॉफ़ी शॉप हो, एक्सपोज हो, फेस्टिवल हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप नए लोगों से मिले, नए म्यूजिशियन से मिले, ताकि आपकी नेटवर्किंग बड़ी हो सके। इस बात को याद रखिएगा कि डिजिटल नेटवर्किंग बहुत यूज़फुल हो सकता है, लेकिन कुछ कनेक्शन जो आप इन पर्सन जब लोगों से जाके खुद मिलते हैं, जो कनेक्शन बनते हैं, वो आप डिजिटल के थ्रू या DMs के थ्रू नहीं कर सकते। तो नए जगह पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, सोशलाइज कीजिए और अपने नेटवर्क को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इस साल आप ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोजेक्ट, ज़्यादा क्लाइंट, ज़्यादा नेटवर्किंग आपको कैसे मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।